हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग उसको नहीं देखेंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो सब ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा समय भी बचे और अधिक से अधिक क्वेश्चन भी सॉल्व हो सके। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात किसी त्रिभुज के आधार में वृद्धि कर दिया कितना, 20%, तो उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम किया जाए कि पहले इतना ही क्षेत्रफल रहे, क्षेत्रफल नहीं बढ़े। तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, तो चलिए इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ऊंचाई में कमी प्रतिशत बराबर कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%। तो जितना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना बढ़ 20% की वृद्धि कह रहा है तो हम लोग 100 में 20 जोड़ेंगे। अगर 20% की कमी कहता तो हम लोग 100 में 20 घटाते और यहाँ पे अधिक प्रतिशत निकालते। तो यहाँ पे कह रहा है कितना कि 20% की वृद्धि हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे और इसमें गुणा करेंगे 100 से, और इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर चलेगा। तो इसको हल करते हैं, 20/120 गुना 100, 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12 और 5 चौके 20, अर्थात 50/3, 50/3 बराबर 16.66 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आयत की लंबाई है उसमें 15% की कमी की जाती है, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल नहीं बदले। तो वृद्धि प्रतिशत हम लोग लिखेंगे, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत भाव क्या होगा, क्या कह रहा है यहाँ, आयत की लंबाई में कमी हो रहा है, तो कमी प्रतिशत को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और कितना परसेंट का कमी हो रहा है, 15% का, तो 100 में से हम लोग 15 को घटाएंगे। अगर वहीं वृद्धि रहता कि लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उतना हम लोग जोड़ते 100 में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कमी तो हम लोग 100 में से 15 को घटाएंगे और इसमें 100 से गुना कर देंगे। इसको हल करेंगे हमारा आंसर चलेगा, तो 15/85 × 100, 3×5 = 15, 17×5 = 85 कट जाएगा, अर्थात 300/17। 300/17 को जब हम लोग हल करेंगे तो आएगा 17.64। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है कि जैसे 15% की कमी कर रहा है तो 100 में से 15 को घटाएंगे, अगर वही 15% की वृद्धि कहता तो 100 में हम लोग 15 को जोड़ते। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी कि पहला एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर होगी, और दूसरा अगर इसके लंबाई में, यानी कि वर्ग का तो जो लंबाई या चौड़ाई दोनों ही बराबर होता है, तो एक में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और एक में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो करने के बाद क्या बनेगा, आयत बनेगा, तो जिसमें इसमें 30% की वृद्धि रहेगा, इसमें 20% की वृद्धि रहेगा चौड़ाई में। तो पहले जो ने एक वर्ग था, यह वर्ग है, और बाद में जब वृद्धि करने के बाद यह जो आयत बना, तो दोनों में क्षेत्रफल जो होगा वो कितना का अंतर होगा, कितना प्रतिशत का, तो इसको हम लोग निकालने का ट्रिक देखेंगे। तो देखिए यहाँ का ट्रिक कौन सा है, तो लिखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर लिखेंगे हम लोग, वृद्धि प्रतिशत बराबर लिखेंगे कितना, देखिए पहले कितना बढ़ा है उसको लगातार हम लोग जोड़ते जाएंगे, पहले कितना बढ़ा है 20-30%, तो 30 लिख देंगे, उसके बाद कितना बढ़ा है 20%, 20% बढ़ा है तो प्लस में लिखेंगे 20, वहीं अगर 20% की कमी रहता तो माइनस में लिखते 20। देखिए 30 का और 20 का साइन जो है प्लस है, तो प्लस प्लस जो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों जो जितना परसेंट बढ़ा है उसको आपस में गुना कर देंगे और बटा में 100 लिख देंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे आंसर चलेगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, बचेगा कितना 30 20 50 हो जाएगा ये, अब प्लस में 3 × 6, यहाँ से कटने के बाद 3 × 6 आएगा, बराबर कितना आएगा 56, यानी कि 56% जो होगा वो आयत का क्षेत्रफल वो वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा।
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। देखिए चार नंबर क्वेश्चन है, किसी बर्ड की भुजा मापने में 20% अधिक मापने की गलती हो जाने पर इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी कि कोई बर्ड है, अगर इसका भुजा मापा जाता है तो मापने में गलती होता है और 20% अधिक माप लिया जाता है इसके भुजा को, तो पहले वाला क्षेत्रफल और अभी वाला क्षेत्रफल में कितना का अंतर होगा, या क्षेत्रफल जो है वो कितना बढ़ जाएगा, इसको निकालना है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसमें तो जैसे बर्ड में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको लंबाई है और यह चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई तो कहते हैं दोनों बराबर ही होते हैं, तो यानी कि दोनों भुजा में बढ़ रहा है, तो इसका ट्रिक क्या होता है, 20%। अगर कोई दो भुजा में बढ़ोतरी हो तो ट्रिक होगा क्या, पहले जितना बढ़ रहा है उतना को लिखेंगे, फिर दूसर का भुजा के लिए जितना बढ़ रहा है उतना, यानी 20-20% बढ़ रहा है और दोनों का साइन जो है प्लस में ही है, तो इस प्लस 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 ही होगा और दोनों को आपस में गुना करके, तो दोनों में इतना समान ही बढ़ रहा है, तो दोनों को 20-20 लिखेंगे और बट्टा 100 इसको हल करेंगे, आंसर चला गया, यानी कि 20-20 44 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि कोई आयत है तो इसकी लंबाई में जो है 25% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, इसको लिखना है। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, अगर समान ही जैसे समान ही भाग जैसे 25% बढ़ाया जा रहा है और 25% घटाया जा रहा है, यानी कि 25 और 25 दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इस तरह से इसकी चुनो, अगर 20% बढ़ाया जाए और 20% घटाया जाए, यानी कि दोनों समान ही प्रक्रिया किया जा रहा है, तो उसमें ट्रिक क्या होता है, जितना बढ़ाया जा रहा है जितना घटाया जा रहा है वो दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 25 बढ़ाया जा रहा है और 25 घटाया जा रहा है और बटा में 100 लिख देंगे, इसको जब हल करेंगे तो 625 25 गुना 25 करेंगे तो 625/100 आएगा, अर्थात 6.25 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर को में ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 6.25 जो है प्रतिशत कमी होगा इसका क्षेत्रफल। छः नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% अधिक कर दिया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए वृत्त है, तो उस अगर वृत्त है उसका त्रिज्या को 20% अधिक कर दिया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। वृत्त है तो इसका जो त्रिज्या है इसको 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ाने के बाद उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो इसका ट्रिक क्या है, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 20%, तो इसको आपस में लिखेंगे दो बार जोड़ करके और फिर प्लस में 20 गुना 20/100 इसको हल करेंगे, आंसर चलेगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बच्चा कितना 20 20 40 और प्लस में इधर से 4 अर्थात 44, यानी कि 44 जो ऑप्शन नंबर बी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।